Sadhguru Designer Wedding Collection, handpicked fabrics and premium brands. Sadhguru Store, Nagina Bagh, Ajmer. Jai Hind, main Lalit Khatri aur aaj hai 8 March. 8 March yani ki Antarrashtriya Mahila Divas. Antarrashtriya Mahila Divas par vishw bhar mein अलग-अलग देशों में, चाहे वो विकासशील हो चाहे वो विकसित हो, सभी देशों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ये मुद्दे सामाजिक भी हो सकते हैं, ये मुद्दे आर्थिक भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से उन्हें उन्नति के पथ पर अग्रसर किया जाए, इन मुद्दों पर भी चर्चा होती है। एमपीटीवी इंडिया की कोशिश है कि अजमेर के अंदर भी अजमेर की ऐसी प्रभावशाली महिलाएं जिन्होंने समाज में एक बहुत बड़ी भागीदारी निभा रही है, ऐसी महिलाओं से अजमेर की जनता को रूबरू कराया जाए ताकि अजमेर की जनता भी समझे कि अजमेर में महिलाएं कितना बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही है अलग अलग क्षेत्रों में। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं यातायात पुलिस निरीक्षक सुनीता गुर्जर मैम। तो मैम से हम लोग बात करेंगे कि मैम के जीवन किस तरह से रहा और वो क्या संदेश देना चाहती। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में पधारने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। थैंक यू मैम। मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने पुलिस लाइन जो आप पुलिस की जॉब आपने क्यों क्या सोच के आपने पुलिस की जॉब ज्वाइन करी थी, मतलब आपका क्या मोटिव था उस समय? मोटिव तो मेरे मामा जी थे, वो गुजरात पुलिस में डीवाईएसपी थे, उनको देख के मुझे अच्छा लगता था, उनकी कार्यशैली वगैरह देख करके। तो जब मैं ग्रेजुएट कर रही थी तब मेरा मानस था कि मुझे जाना है इसमें जी। फिर भी मतलब एजुकेशन करते करते मैंने अपना एमएससी बीएड कंप्लीट किया। घर वाले चाहते थे मैं एजुकेशन में जाऊँ लेकिन मेरी मदर ने सपोर्ट किया और मुझे इसके लिए मोटिवेट किया और आखिरकार मैं इसमें सेलेक्ट हुई। तो आप पुलिस में रहते हुए आपको फिर यातायात पुलिस की यातायात की जिम्मेदारी दी गई, तो यातायात की जिम्मेदारी के साथ साथ और जो पुलिस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आपको ऐसी क्या चुनौतियाँ हैं जो कि आपको जिसके सामना करना पड़ा? ऐसी यातायात विभाग में कार्य करते हुए मुझे एक अलग ही तरह का पुलिस में आने के बाद अनुभव हुआ है। पुलिसिंग जो आज तक हमारी जानी जाती है, अधिकतर थानों में जो ये है कि भय रहता है, लोग आते नहीं है, क्योंकि यातायात विभाग है वो सड़कों पे काम करता है तो हमारा आमना सामना आम व्यक्ति से होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जहाँ रूल्स फॉलो करने की बात करते हैं तो लोग अपने खुद के मतलब अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, या स्वयं यूँ कह सकते हैं कि खुद की जीवन के प्रति जागरूक नहीं है। और यातायात विभाग में जो भी हम एमवीएफ के तहत कार्रवाई करते हैं वो इसी तरह करें कि उनका जीवन सुरक्षित रहे, सड़क सुरक्षित रहे, लेकिन उस लोग उसको हल्का लेते हैं। सबको पता है, सब पढ़े लिखे हैं, सब कानून जानते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहते। अब क्यों नहीं करना चाहते इसका रीज़न मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। तो मैम आपकी इस पुलिस की जॉब में और आप यातायात पुलिस के भी अभी निरीक्षक हैं, तो इस पूरे आपके कार्यकाल में ऐसे कुछ क्षण आए होंगे जब आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ होगा अपनी इस जॉब के लिए, तो उस किसी क्षण के बारे में आपको कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? यातायात विभाग का यातायात में पुलिस में रहते हुए आपको कोई क्षण आया होगा जब बहुत प्राउड हुआ? तो मैंने बहुत जगह काम किया है, थानों में भी रही हूँ और जनरल थानों में भी रही हूँ, महिला थाने में भी रही हूँ और ऑफिसेज में भी रही हूँ। तो पुलिस का काम करते हुए उस वक्त बहुत मतलब एक अच्छा फील आता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। महिला थाने में मैंने देखा अमूमन ऐसी लड़कियां आती हैं जो घर से बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड होती हैं और कुछ राजनीतिक प्रभाव से, कुछ ऊपर के प्रभाव से उनकी यहाँ तक होता है कि FIR तक दर्ज नहीं की जाती है। मैंने ऐसे लोगों की FIR दर्ज करके बाकायदा उनको जहाँ तक है निष्पक्ष अनुसंधान करते हुए उन लोगों को मुलजिम बनाया। मेरे ऊपर कई बार प्रेशर आया, प्रेशर को मैंने ध्यान न देते हुए मैंने मेरी जो प्राथमिकता थी वो ये रखी कि इस लड़की को न्याय मिले। इसके लिए मुझे कई थ्रेटिंग मिली, कई प्रॉब्लम्स आई, तो ऐसे कई केसेज है, एक नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस जनरल थाने में रही तो उसमें भी जो मैन होता है जुए सट्टे की रोकथाम के लिए मैंने बहुत मेरे भरसक प्रयास किए थे, जिसके लिए मेरी कई बार मेरे डिपार्टमेंट में शिकायत भी की गई थी, लेकिन मैंने उच्च अफसरों से मैंने पूरी जो हकीकत बताई तो उन्होंने मुझे साथ दिया। और मैं कह सकती हूँ कि मेरे कार्यकाल के दौरान जो जिस थाने में मैं थी लॉकडाउन में, मैं 1.5-2 साल लगभग रही, मैंने जुए सट्टों का बिल्कुल सफाया किया था और आज मुझे उस चीज़ के लिए भी बहुत गर्व महसूस होता है। मैम अजमेर में आप यातायात की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो अजमेर में आपको क्या लगता है कि अभी किन चीज़ों का और ज़रूरी है यहाँ पर सुधार होना और आपके कार्यकाल में आपके यहाँ आने का किन चीज़ों में बहुत सुधार हो चुका है? मेरे आने के बाद में जो सुधार मैंने कोशिश की है करवाने की वो है कि पहले लोग अमूमन MVF की पालना नहीं करते थे लगभग, लेकिन अब मैं जहाँ देखती हूँ सिटी के अंदर 80-90% लोग, और हेलमेट के रूप में तो 95% लोग हेलमेट लगाते हैं और फॉलो करते हैं।
और दूसरी जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आई थी वो अतिक्रमण की आई थी कि दुकानदार और जो ठेले धारक हैं वो सड़कों का अतिक्रमण करके और यातायात को बाधित करते हैं। अभी भी है, ऐसे में हम नहीं कह सकते कि अजमेर शहर वो मुक्त हो गया है, लेकिन उस समस्या में भी मेरे ट्रैफिक में रहते हुए लगभग 50-60% कमी आई है। और सुचारू एलिवेटेड रोड बनने के बावजूद भी जो हमारे यातायात है ठीक तरह से सुचारू है। और प्रॉब्लम जो आई है वो ये है कि अजमेर शहरवासियों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, पढ़े लिखे हैं आप लोग, अपने जीवन का महत्व को समझिए। आपका जीवन समाज और देश के लिए बहुत जरूरी है, और जीवन को समझते हुए एमवी एक्ट को फॉलो कीजिए, हमारे डर की वजह से न करें। तो मैम अभी आप पुलिस की जॉब में हैं, इतने अच्छे पद पर हैं और इतना कार्य कर रही हैं जैसे आपने बताया, तो अगर हम ये सोचें कि अगर आप पुलिस की जॉब में नहीं होती तो हम आपको किस क्षेत्र में देख सकते थे? मैम अगर मैं पुलिस की जॉब में नहीं होती तो उससे पहले भी मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी और मैंने यूथ अवार्ड ले रखा है। अच्छा। और मैंने यूथ पार्लियामेंट में एज ए लीडर मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली है और मैंने 1.5-2 महीने तक पूरा उसको किया है। हमारे जो एक बिल पास हुआ था एड्स का, मुझे आज भी याद है 2004 में, उसको मैंने पार्लियामेंट में लीडरशिप किया मैंने। अच्छा। और नहीं होती तो मैं एनजीओ से जुड़ी होती, क्योंकि मैंने पुलिस में आने के बाद में भी कई ऐसे काम किए जहाँ मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। तो मैं कोशिश करती मैं एनजीओ से जुड़कर मैं खुद का कोई ऐसा काम चलाती, ऐसी संस्था चलाती जिससे कि मैं, मेरा जो मन में आज भी ख्वाहिश है कि मैं बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए कुछ करूँ, और मैं चाहती हूँ दोनों का साथ करूँ, क्योंकि बच्चे की तो मुस्कान या उसकी गतिविधि देख के हर कोई अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन बुजुर्गों को नहीं करता, नहीं करता। मेरा ख्वाब है कि मैं एक वृद्ध आश्रम खोलूं जिसमें बच्चों को भी साथ रखूं, ताकि वृद्धजन हैं वो उनके साथ हंसी खुशी के पल बिताए, अनाथ बच्चे हैं उनको माता पिता का सुकून है, वो प्यार मिले। तो मैम आखिरी सवाल, आप इस महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अजमेर की महिलाओं, अजमेर की बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिला दिवस पे सभी महिलाओं को पहले तो शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महिला दिवस पर मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम महिला सबसे पहले खुद महिला का सम्मान करें। जब तक हम अपने आप का सम्मान नहीं करेगी, कोई दूसरे से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा कोई सम्मान करे। सम्मान का मतलब है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसको सपोर्ट दें, उसके मानसिक बल को बढ़ाएं ताकि महिला कोई अच्छा काम कर सके। अमूमन हम देखते हैं कि घर परिवार में जब बेटा बेटी एक साथ पलते हैं तो माता ही कहती है कि ये तेरा काम नहीं, ये तेरा काम नहीं है। ऐसी जो बीच में एक विभिन्नता उत्पन्न होती है वो ना हम लोग ना करें, हम एक अच्छी मतलब अच्छा मैसेज दें, अपनी बच्ची को अच्छा मैसेज दें। और हम ही नहीं देंगे तो हम सोचते हैं कि पुरुष आगे बढ़ेगा, पुरुष है, पुरुष करेगा, हम खुद अपने आप को रेस्पेक्ट देंगे तो पुरुष भी रहेगा। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग देने के लिए। तो ये थे यातायात पुलिस निरीक्षक अजमेर की सुनीता गुजर मैम, और इनका संदेश था महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाएँ आगे बढ़ें, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पहले करना सीखें। इसी के साथ हम अजमेर में और भी महिलाओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे जिनका प्रभाव समाज पर है, अजमेर की जनता पर है। मिले रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।